तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि अब ऋतिक रोशन की आने वाली नई फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये खबरें सामने आ रही थी कि ऋतिक रोशन अपनी एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसका टाइटल होगा फाइटर। तो दोस्तों अब फाइनली इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस नए पोस्टर में हम लोगों को ऋतिक रोशन तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एरोप्लेन, फाइटर जेट वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि फाइटर फिल्म का अनाउंसमेंट के साथ ही साथ ये भी पता चल गया है कि आखिरकार फिल्म कब रिलीज़ की जाने वाली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 25 जनवरी को, वो भी दोस्तों 2024 में। यानी कि दोस्तों अभी आप लोगों को तकरीबन 14 से 15 महीने वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी 2022 का अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर दिसंबर बचा है, फिर उसका जो 2023 है उसका एक साल मान लीजिए, तो 14 महीने लगभग आपको इस फिल्म के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों आप लोगों को दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलने वाली हैं और अनिल कपूर भी देखने को मिलने वाले हैं, और ऋतिक रोशन तो रहेंगे ही। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ, सिद्धार्थ आनंद वही हैं जिन्होंने वार जैसी इतनी बड़ी फिल्म बनाई है। तो दोस्तों उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जो फाइटर फिल्म आ रही है ये भी काफ़ी ख़तरनाक फिल्म होगी, एक्शन भरपूर होगा, स्क्रिप्ट धमाकेदार होगी और डायरेक्शन तो परफेक्ट होना ही होना है। तो दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म फाइटर के लिए, और आपको पोस्टर कैसा लगा इस फिल्म का कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।